पहला नाम है BHEL का, निलेश टॉप गेनर है एफएनडो का, एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिल रही है। और दूसरा नाम है GMR इंफ्रा, एडजस्टमेंट से पहले जो इसके हाई ऑफ होंगे उससे ठीक पहले करीब करीब 4% के आसपास की तेजी यहां पर भी है। क्या करें BHEL और GMR इंफ्रा में? BHEL बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। भेल इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर आप देखिए तो इसमें भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ठीक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास काउंटर ने बेस फॉर्मेशन किया है और पिछले 5 कंसेक्यूटिव सेशन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है और इसके अंदर वो एक्टिविटी भी काफी अच्छी देखने को मिली है। लगभग 5% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है जो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है, तो फॉलो अप बाइंग हमें यहाँ पे आती हुई देखने को मिल सकती है। इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो 68-70 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए और यहाँ पे करंट लेवल पे मैं कहूंगा थोड़ा सा अगर वेट करें तो बेटर होगा। 61-60 ये एक फ्रेश खरीदारी की जोन है, जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहे और फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचे तो हल्की सी मुनाफा वसूली अगर होती है, अगर गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करें क्योंकि जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो लगभग होगा 56-57। तो इस पर्टिकुलर जोन में एक सपोर्ट बना है, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 68-70 इन लेवलों के लिए बने रह सकते हैं और फ्रेश खरीदारी डिक्लाइन।